1947 यानी कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय $1 की कीमत ₹1 थी। 2018 आते आते तक $1 ₹68 से भी पार कर गया है। इनफैक्ट रिसेंटली अभी थर्सडे को जो गया है उसमें $1 ₹69 का हो गया था, ऑल टाइम लो हो गया था, रुपया इतना नीचे कभी नहीं गिरा। तो आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार पिछले 71 सालों में ऐसा क्या हो गया कि जो $1 ₹1 का था वो अब जो है ₹68 से भी पार चला गया। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे करेंसीज़ के रेट्स डिटरमाइंड होते हैं, क्यों डॉलर बढ़ता रहता है घटता रहता है, क्यों किसी देश की करेंसी घटती बढ़ती रहती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान भाषा में समझा पाऊं ताकि एक 5वीं क्लास का बच्चा भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी सारी चीज़ें समझ ले। तो विदाउट फर्दर अडू इस वीडियो को शुरू करते हैं। Hey guys, what's up? मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने दिल्ली के इस YouTube चैनल पे। तो अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे ही वीडियोस जब भी हम लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो $1 की कीमत ₹1 थी जैसा कि मैंने आपको बताया, और 2018 आते आते तक ये ₹68 से पार पहुंच चुकी है। ऐसा क्यों हुआ इसको जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि जो करेंसी रेट्स है वो किस तरीके से डिटरमाइंड होते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि 1947 और 2018 में क्या क्या जो है डिफरेंसेस आ गए। देखिए दोस्तों, आज की डेट में पूरी दुनिया ही एक दूसरे से बिजनेस कर रही है, यानी कि सभी कंट्रीज एक दूसरे से बिजनेस कर रही है। जैसे कि इंडिया, जैसे कि हम अपनी बात करें, इंडिया की बात करें, तो हम जो है बहुत सारी चीज़ें सऊदी अरेबिया से मंगवाते हैं, अमेरिका से मंगवाते हैं, चाइना से मंगवाते हैं, जापान से मंगवाते हैं। हम इंडिया की चीज़ें भी बाहर जो है लोगों को बेचते भी हैं, इसको कहते हैं एक्सपोर्ट, और जो चीज़ें हम मंगवाते हैं उसको कहते हैं इम्पोर्ट, राइट? तो एक कंट्री जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, मतलब अपना सामान बेचती है, उस कंट्री को उतना प्रॉफिट होगा। जाहिर सी बात है, जब आप अपना सामान ज़्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट लगा के ही बेचोगे ना। एक बिज़नेस की तरह इसको समझ लो कि अगर इंडिया अमेरिका को सामान बेचती है तो वो फ्री में तो नहीं बेचेगी, उसका कुछ प्रॉफिट भी होगा, तो कंट्री को जो है फ़ायदा होगा। एक कंट्री को, अगर कंट्री की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। अगर हम बात करें इंडिया के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट रेशियो का, तो हम जो है ज़्यादातर चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट के। तो ऐसे में हम जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं दूसरी कंट्री से, तो हमको जो है पेमेंट करनी पड़ती है उस कंट्री के रिक्वायर्ड करेंसी में। यानी कि मान लीजिए अगर इंडिया जो है अमेरिका से सामान खरीदता है, तो इंडिया को जो है पेमेंट है वो रुपए में नहीं करेगा, वो डॉलर्स में करेगा। अब डॉलर्स में अगर इंडिया को पेमेंट करना है तो इंडिया को अपने रुपए को लेके बैंक के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में उस रुपए को चेंज कराएगा डॉलर्स में, जितनी भी डॉलर्स की वैल्यू होगी उस समय, और जितने भी डॉलर्स उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से मिलेंगे उसको जो है वो अमेरिका को देगा अपनी पेमेंट करने के लिए, राइट? सबसे मेजर फैक्टर जो किसी भी देश की करेंसी को ऊपर नीचे करता है वो है उस कंट्री की करेंसी की डिमांड और सप्लाई। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो US डॉलर की डिमांड सबसे ज़्यादा है। कहने का मतलब है जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ व्यापार करती है, ज़्यादातर केसेस में वो डॉलर्स में ही होता है। अगर मैं बात करूँ मोस्ट ट्रेडेड करेंसी दुनिया की, तो नंबर वन पे आता है US डॉलर, 80% ये शेयर डॉलर का है। दूसरे नंबर पे आता है यूरो, जिसका जो शेयर है मार्केट में वो 30% के करीब है, और अगर हम बात करें इंडिया की तो वो करीबन 1.1% होगा, राइट? तो कहने का मतलब है इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन करेंसी की डिमांड बहुत कम है। इसके अलावा अब आप सोच रहे होंगे कि यार डॉलर की इतनी डिमांड क्यों है, तो मैं आपको बता दूं, डॉलर की डिमांड ज़्यादा होने का कारण है, एक तो अभी जितनी भी मेन कॉमोडिटीज़ है जो कि एक्सचेंज होती है, जैसे कि ऑयल, गोल्ड, वो ज़्यादातर केसेस में 80% केसेस में डॉलर्स में ही होता है, और उसमें जो डॉलर है वो किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है। कहने का मतलब अगर मान लो आज की डेट में आपको तेल खरीदना है सऊदी अरेबिया से, तो आपको डॉलर में ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में करार हुए हुए हैं कि सऊदी अरेबिया जितने भी ट्रांजैक्शन करेगा, जितने भी ट्रेड करेगा ऑयल में, वो डॉलर्स में ही होगा, उसके बदले अमेरिका जो है उसको प्रोटेक्शन देगा उसके ऑयल रिजर्व्स को, राइट? ये करार हुआ था। ये खैर एक बहुत अलग टॉपिक चला जाता है, ये एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, इसको कभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है। आप इतना समझ लीजिए कि आज की डेट में ऑयल के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, मोस्टली ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग के, वो ज़्यादातर डॉलर्स में होते हैं, तो ये एक डॉलर को बहुत स्ट्रांग कर देता है। दूसरा मेन फैक्टर जो कि डॉलर को सबसे स्ट्रांग बनाता है, वर्ल्ड की करेंसी बनाता है, वो है अमेरिका की इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है कि एक देश जितने ट्रांजैक्शन करता है एक दूसरे के साथ, राइट? एक देश कितना सामान बेच रहा है, खरीद रहा है, तो उसमें US नंबर वन है। US की अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो $20.4 trillion है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट और बिगेस्ट इकोनॉमी है अमेरिका। दूसरे नंबर पे चाइना आता है $14 trillion के साथ, और अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया 7वें नंबर पे आता है, इंडिया की जो इकोनॉमी है $2.85 trillion है।
तो आप देख सकते हैं कि इसी वजह से डॉलर जो है दुनिया की, आप इसको ग्लोबल करेंसी भी कह सकते हैं, और यही वजह है कि जो डॉलर की डिमांड जो है बढ़ती जा रही है और रुपए की डिमांड जो है कम होती जा रही है। ऐसे में इंडिया जो है इंपोर्ट ज़्यादा करता है दूसरी कंट्रीज से, तो इंडिया को भी जो है डॉलर की ज़रूरत पड़ती रहती है, और यही वजह है कि रुपए जो है गिरता जा रहा है दिन पे दिन और डॉलर जो है बढ़ता जा रहा है, राइट। और अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इंडिया को अपनी करेंसी मजबूत करनी है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इंडिया को चीज़ों को ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा इंडिया चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, जितनी ज़्यादा चीज़ें दूसरे देशों को बेचेगा, उतनी इंटरनेशनल मार्केट में रुपए की जो है डिमांड बढ़ेगी और रुपया जो है मजबूत होगा अन्य करेंसीज के मामले में। ये जो अभी मैंने आपको रुपये और डॉलर के बारे में बताया था कि क्यों डॉलर की प्राइसेज जो है बढ़ते जा रहे हैं, रुपये गिरता जा रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो सभी कंट्रीज पर लागू होता है। अब आपको दोस्तों ये तो समझ आ गया होगा कि किसी भी देश की करेंसी बढ़ती घटती क्यों है। ये बेसिकली डिपेंड करता है उस कंट्री की इकोनॉमी में, उस कंट्री का मार्केट शेयर क्या है वर्ल्ड ट्रेडिंग में, दूसरी चीज़ वो कंट्री कितना एक्सपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। जितना ज़्यादा इंपोर्ट होगा उतनी ज़्यादा उसकी देश की इकोनॉमी लो होगी, कम होगी। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है उतनी ही ज़्यादा उसके देश की करेंसी जो है मजबूत होती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जितनी आपको जानकारी होनी चाहिए मैं उतनी ही आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऐसा क्या हो गया कि एक डॉलर जो कि 1947 में एक रुपए का था और आज की डेट में 68 रुपए पार पहुंच चुका है, और जो दिन ब दिन जो रुपया है वो गिरता जा रहा है। देखिए 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 33 करोड़, और आज की डेट में इंडिया की पॉपुलेशन 133 करोड़ से भी ज़्यादा की है। तो ऐसे में रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे। जहाँ पहले इंडिया को कम रिसोर्सेज की ज़रूरत थी 1947 में, आज ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है। आज बहुत सारी चीज़ इंडिया को बाहर से मंगवानी पड़ रही है, इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, दूसरे देशों से हमारे यहाँ सामान आ रहा है, दूसरे देशों से बिजनेस ज़्यादा हो रहा है, तो हमें जो है पैसा जो है ज़्यादा दूसरे देशों को देना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि डॉलर जो है दुनिया की मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है, ज़्यादातर 80% ट्रांजेक्शन जो है डॉलर्स में होते हैं, तो ऐसे में डॉलर की जो डिमांड है आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा है, और रुपए की डिमांड कम है क्योंकि इंडिया जो है इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है एक पॉपुलेशन जो इंडिया की बढ़ती गई उससे जो है रुपया, वो भी एक कारण था कि रुपया जो है गिरता गया, और रिसोर्सेज इतने इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, ये भी एक कारण है दोस्तों कि जो है रुपया गिरता गया और डॉलर बढ़ता गया, राइट। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ गई होगी कि यार फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट काम कैसे करता है, सारी चीज़ें कैसे होती है, राइट। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स पर और वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख के मुझे बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने कोशिश की है कि आपको आसान से आसान तरीके में मैं बता पाऊँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ पाए। तो दोस्तों इस वीडियो को ही खत्म करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, एजुकेशन, ओपिनियन, इंटरेस्टिंग फैक्ट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप उन वीडियोज़ को देखना ना भूलें। कुछ वीडियोज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बाकी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियोज़ जब भी हम लेके आएं आपके पास सबसे पहले पहुंचाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।